नमस्कार साथियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी एक बार फिर से बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कब यह अधिसूचना जारी होने वाली है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक से इस खबर को। तो पुरानी पेंशन बहाली के फॉर्मूले पर टिकी लाखों कर्मचारियों की नज़र। हिमाचल प्रदेश में 20 साल बाद बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की अधिसूचना आज जारी होने के आसार कम हैं। आज कैबिनेट बैठक की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज सामान्य प्रशासन वित्त विभाग को भेजेगा। वित्त विभाग इस पर राय लेने के लिए मामला विधि विभाग को भेजेगा। वहीं नई और पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी कर्मचारियों को दिया जाना है। छत्तीसगढ़ के नियमों को किस प्रकार से अपनाया जाना है, इस पर भी अभी मंथन जारी है। इसके बाद ही अधिसूचना जारी होगी। राज्य मंत्रिमंडल से पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन के फॉर्मूले पर टिक गई हैं। ओपीएस की बहाली कब से होगी और पेंशन की राशि कितनी होगी, इसको लेकर कर्मचारियों की ओर से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुरानी पेंशन का फॉर्मूला कौन सा होगा, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गोपनीय रखा हुआ है। कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में 15 मई 2003 से पहले सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 के तहत पेंशन दी जाती थी। इसके तहत सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन लिए गए वेतन का 50% पेंशन राशि होती थी। इस नियम को ही दोबारा लागू करने के लिए हिमाचल सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। पुरानी पेंशन योजना में सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पहले 10 वर्षों तक 50% पेंशन ही परिजनों को मिलती है। इसके बाद पेंशन की राशि का 30% दिया जाता है। पुरानी पेंशन लेने के लिए किसी भी कर्मचारी की 10 वर्षों की नियमित सेवा होना भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के फॉर्मूले पर हिमाचल सरकार मई 2003 के बाद नई पेंशन योजना में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के केंद्र सरकार से वापस लेने के लिए अपना सकती है। इसको लेकर भी अभी सरकारी स्तर पर माथापच्ची जारी है। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश में आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अधिसूचना जारी होने के आसार कम हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम बच गया है। तो अभी के लिए यही है बड़ी विशेष खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।